राजघाट पहुंच चुके हैं वो तो वहां से ये बेटा हुआ है सन्नाटे में। अगर कब आपके साथ पीते पीते फुल मजे लग रहा भाई साहब, बारिश हो जाएगी। अगर बारिश होगा कब अब तो सिक रहा, तो इसमें डालेंगे मक्खन। इतनी तेज बारिश आ गई, बहुत दस एक नंबर का शुरू कर बैठे प्रेम कहानी तू आखे मीनू राजे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गाइस के साथ ऊपर तुम बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइस आज है बकरा ईद का दिन, तो मैंने कुर्ता पजामा पहना है। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा। तो गाइस चलते नमाज पढ़ने, वैसे देर हो गई है, जल्दी से चलते नमाज पढ़ने बकरा ईद की। तो चलते हैं, गाइस मैंने वजू तो कर लिया था, तो जल्दी से चलते हैं। जाना मस्जिद का तो चलते हैं, चलो मैंने जाना मस्जिद ले लिया तो चलते हैं फिर ईद की नमाज पढ़ने। चलो जल्दी से चलते हैं। हां भाई तुमने नमाज पढ़ ली? हां नहीं पढ़ने जा रहे, तो जल्दी से पढ़। गाइस चलते यार, वैसे मैं बहुत लेट हो चुका हूं, तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस चलते हैं मस्जिद में, डायरेक्ट मिलेंगे मस्जिद में। तो मैं नमाज पढ़ के मिलते हैं, मिलेंगे डायरेक्ट नमाज पढ़ने के बाद ईद की, तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस मैं नमाज तो पढ़ के आ गया हूं, तो आपको मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक हो। तो गाइस मैं नमाज पढ़ने गया था ना, तो दो मिनट पहले पहुंच गया था ना, जमात खड़ी होने वाली थी, एकदम जल्दी से पहुंच गया। तुमने कहाँ पढ़ गया भाई? सही थी मैं पढ़ गया भाई। तुमने नीचे पढ़ी होगी? तो भाई उन्होंने तो नीचे पढ़े, हमने तो सबसे पढ़े कि हम सबसे लेट पहुंचे थे ना, कोई नहीं मिल गए थे। चलो फिर हम जा रहे हैं अभी। हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? हम चांदनी चौक जा रहे हैं भाई। तो भाई अभी जा रहे हैं चांदनी चौक, क्या सामान लाना है वहाँ से? कुछ सामान लाना है। हाँ वहाँ से कुछ सामान लाना है इनके घर पे, वहाँ चल रहे हैं चांदनी चौक। और मौसम भाई एक नंबर का हो चुका है, मतलब कि बादल बारिश का मौसम हो चुका है, फुल प्यारा बेहतरीन मौसम हो चुका है भाई। ऐसे मौसम में लगी मजा आता भाई साहब, खासकर बकरा ईद वाले दिन, वरना बकरा ईद पर तो थोड़ी धूप होती है, बकरा ईद पर इतनी धूप होती है बुरा हाल हो जाता है, लेकिन मौसम एक नंबर का हो गया। अब नहीं लगेगी गर्मी, अब बेहतरीन मौसम हो गया है। तो भाई चलते हैं, इतने सिनेमेटिक का एंजॉय करो। तो भाई यहाँ पे मौसम एक नंबर का हो रहा है भाई साहब, फुल वॉक लग रहा है भाई साहब। बारिश हो जाएगी, अगर बारिश हो गई ना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और गाइस आज का व्लॉग बहुत ओके का होने वाला, तो व्लॉग जरूर देखना आप। तो बड़े बड़े जगह जाएंगे तो दिखाएंगे आपको ईद की सेलिब्रेशन दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली चांदनी चौक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ आ रहे हो कि प्रोग्राम हो मेरा चांदनी चौक। आज हम चांदनी चौक में तो नमाज हो रही थी, तो पूरा रास्ता बंद है, तो अभी तो वहाँ से चल के कहीं और चल रहे हैं, तो फिर अभी आएंगे दोबारा। तो चल तो गाइस जामा मस्जिद माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई साहब बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम हो चुका है भाई साहब, फुल ओके का मौसम हो चुका है, आज भाई साहब यहाँ पे मौसम कितना प्यारा हो चुका है। भाई साहब कितना प्यारा भी हो रहा है भाई, कैसा मौसम हो रहा है भाई साहब? बढ़िया मौसम हो रहा है, एक हाथ से मैं चला रहा हूँ, एक हाथ से चला रहे हैं समीर भाई। तो भाई साहब फुल मजे आ रहे हैं, कोई नहीं। और मौसम को देखो भाई यार, मौसम तो दिल खुश कर दिए जो बात है। बारिश आएगी ना जब दिल खुश, हाँ बारिश आएगी तो और दिल खुश हो जाएगा भाई साहब। तो भाई चलते हैं फिर राजघाट, चले ना राजघाट चल रहे, वहाँ पे खींचे फोटो वोटो एंटी तो मिलते डायरेक्ट आपको वहीं पे। गाइस फाइनली राजघाट पहुँच चुके हैं, वो तो भाई साहब यहाँ तो भाई यार बारिश शुरू हो गई। अब क्या कर रहे हैं वो यार, यहाँ तो कुछ खड़े होने की जगह भी नहीं, मैं बारिश हो गई यहाँ तो। बारिश हो गई अब कहाँ खड़े हुए फिर? अब यार बारिश हो रही है तो जहाँ पर कहाँ बारिश नहीं आएगी, इधर आना फिर इधर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर बारिश हो गई, भीग जाएंगे उधर की तरफ चलते हैं पेड़ के नीचे। मैं तो कुर्ता पजामा पूरा गील हो गया भाई साहब। भाई हमारे साथ यहाँ पे हो चुका है पोपट, तो भाई बारिश बहुत तेज हो चुकी है यार, मूड खराब हो गया सारे कपड़े यार गीले हो जाएंगे, और कुछ बात नहीं है। तुम्हें अभी पहना नया कुर्ता, इसका भी तूने भी भाई, इनने भी अभी नया पहना, तो इसके भी गीले हो जाएंगे, तो भाई बुरा हालत हो जाएगी। तो भाई बारिश रुकती जब तक इंतजार कर लेते हैं, वरना तो यार कपड़े बेकार हो जाएंगे। और गाड़ी हमारी उधर खड़ी कर दी हमने उधर, भाई हम राजघाट वाले रोड पर रुके थे, वहाँ पे फोटो वोटो खींचे, वहाँ पे इतनी तेज बारिश आ गई, बहुत तेज, सारे कपड़े गीले हो गए भाई। इसके भी मेरे हम दोनों के अपने पूरे कपड़े, मेरा पूरा कुर्ता गीला हो गया। तो अब चलने का डायरेक्ट मिलेंगे आपको घर पे, तो घर पे चलते हैं। आए सच्ची कुड़े दसा तेरे नखरे दा तोड़ नी, वाश के बढ़ाया सानू लाई ता दी लोर, उल्लियां ते हसा तेरा। तो भाई यहाँ देखो स्विमिंग पूल बना हुआ पूरे में, स्विमिंग पूल। तो यार मैं घर पर आ गया था, लेकिन यार पूरा कुर्ता गीला हो चुका था यार, तो मैंने ना वो मशीन में सूखने के लिए दे दिया है मम्मी को, तो मम्मी सुखा देंगी उसे, जब तक के लिए मैंने दूसरी शर्ट पे। तो भाई मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया, तो अभी सूख चुका है बिल्कुल, प्रेस व्रेस करा ली, फुल ओके का हो गया। तो भाई अब बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया, धूप निकले गए, बढ़िया मौसम हो चुका बाहर का। तो चलते हैं, तो गाइस मैं आपको अपना बकरा दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा बकरा भी नहीं कटा था, कल या परसों कटेगा, तो मैं दिखा देता हूँ बकरा। तो गाइस बकरा ये रहा बैठा हुआ, ये बैठा हुआ है सन्नाटे में, खाता क्यों नहीं, ले पत्ते खा ले ले। तो गाइस अब चलते हैं बाहर, किसी को कॉल करते बुलाएंगे, तो चल रहे हैं बार बार, देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस अभी गाड़ी में पेट्रोल पंप तो पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पे चलते हैं। तो भाई साहब मौसम एक नंबर का हो गया यार, अब धूप निकल गई, पेट्रोल तो भरवा लिया, तो चल रहे हैं।
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोश्त पिसवाने, तो छत पे बनाएंगे कबाब। तो चलो आप, तो गाइस हमारे मामू का लड़का लौंडा आया था मुझसे आवाज से भाई, बिल्कुल। और ये की लड़का दिल्ली से है, तो चलते हैं कबाब वाली की दुकान पे कीमे पिसवाने। चलो भाई चलो भाई, कीमे भी मैं पिसवा लिया, तो चलते हैं घर पे। हमने भी सीखे खरीदी, तो सीखे खरीदी है। तो गाइस हमने भट्टी तो बना ली है, यहाँ पे कोयले जलाए जा रहे हैं, तो इसमें कोयले डाल दिए हमने, आग जल रही है तो ये जला। तो भाई हमारे यहाँ पे कबाब सिक रहे हैं, तो ये रे कबाब सिक रहे हैं, हमने भट्टी लगा रखी है, ईंटों की जुगाड़ कर रखा हमने खुद ही, ये रे कबाब लगा रहे हैं। हाँ भाई सही है, आ रहे हैं मजे। चलो भाई अदनान कबाब लगा रहा है। हाँ भाई इतना मोटा क्यों लगा रहा है, पतला करके लगा यार, पतला पतला करके लगा वरना गिर जाएगा ज़्यादा मोटा। हाँ भाई अब पानी ले कर लगा यार। हाँ भाई लग रहे हैं तुझसे कबाब, अच्छा कल लगा रहे हैं, पहले भी काम कराया क्या कबाबों का? अब्बू ने सिखा। अच्छा जी भाई, मेरे अब्बू ने सिखाया इस लूंडे को, सही है। और तुझे कितने सिखाया भाई? अभी 2 मिनट पहले सिखा। अच्छा ये 2 मिनट पहले सिखाया ये भाई, ये बड़ा तो भाई हमारा कबाब तो सिख रहा, तो इसमें डालेंगे मक्खन, तो मक्खन डाल देते हैं इसमें मक्खन, ये थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ट्राई करेंगे मक्खन। तो भाई कबाब जल रहा है यार जल्दी जल्दी। भाई हमने मक्खन डाला था, तो मक्खन हमारा पिघल रहा है भाई, जल्दी इसमें डालेंगे ये रहा, हमने कबाब एक साथ इकट्ठे कर लिए, फिर खाएंगे। हाँ पहले मक्खन मक्खन पिघल लेते हैं भाई साहब, इतने बड़े बड़े कबाब क्यों कर रहा, छोटे कर यार। मक्खन मेल्ट हो चुका है, तो इसमें डालेंगे। हाँ बढ़िया मजा, ये रहा ये ऊपर से डालेंगे। तो हाँ भाई हड्डी जरा सारे में डाल दो, अब खाएंगे तो बढ़िया करके। वही तो भाई हमारा कबाब आ चुका है, तो मक्खन वाला तो थोड़ा सा लेंगे कबाब और थोड़ा सी लेंगे प्याज, अब खा लेंगे। एक नंबर का बढ़िया बना हुआ व्हाट्सएप। हाँ भाई कैसा हो रहा कबाब? बढ़िया हो रहा, बढ़िया हो रहा। बनाया किन्ने मैंने? नहीं हाँ भाई, तो कबाब पूरा कबाब वाला लग रहा है ईमानदारी से, बढ़िया जच रहा है इस काम में। कैसा लग रहा तुझे? बढ़िया व्हाट्सअप एकदम बेहतरीन हो रहा है, खाने में फुल मजा आ गया। तो भाई हमने यहाँ पे लाइट वाइट लगा दी, यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, तो अब उजाला हो चुका है, अब सही है, मजा आ रहा है बनाने में। भाई अब सही है ना, लाइट लगा दी मैंने, मारे मुझे हाँ सही है। तो भाई चलो भाई फुल रोक के मजा आ रहा है। यहाँ पे आ गई अपनी हेल वेल, आ गई सारे हेल पी रहे, तो मैंने भी अपनी हेल ले ली, तो हेल पी लेते हैं, मजा आएगा कबाब के साथ पीते पीते फुल मजा। तो भाई हमने अभी सबसे बड़ा कबाब बनाया, तो कितना बड़ा कबाब बनाया, नया कबाब निकाला हमने। भाई नया कबाब निकाल दिया हमने। तो गाइस हमने सारे कबाब बना लिए, अब इसे इकट्ठे करके खाएंगे एक साथ, ये सारे के सारे आराम से खाएंगे, बैठेंगे खाएंगे, तो सारे सीख रहे हैं एक साथ खाएंगे। तो गाइस सारे कबाब बना लिए एक साथ, ये रहे सारे, तो इसे खा लेते हैं। हाथों में बड़ी मिर्चें लग रही हैं यार, यहाँ बहुत। तो गाइस हम नीचे आ चुके हैं, कबाब खा लिए हैं सारे जितने भी, तो यार हाथों में ना जलन बहुत मच रही है, मिर्चों का था ना खुद ही हाथ से करे थे, तो जलन बहुत मच रही है। तो गाइस आज का व्लॉग वैसे कैसे लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।